इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक के लिए एक प्रोजेक्शन व्यू तैयार करना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी 19 नवंबर 2022 है आज, और यहाँ पे मार्केट एक चैनल पैटर्न बनाया है। अगर हम ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट को अटैच करेंगे और इसको एक चैनल का रूप देंगे, मैं ये पॉइंट भी ड्रॉ कर देती हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट एंड ये थर्ड पॉइंट। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम ये चैनल पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो इसका मिडिल लाइन, जिसे हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया देते हैं, तो वो अच्छी तरह से ये रिस्पेक्टेड हो रहा है मार्केट में। तो यहाँ इसके बाद हम मार्केट में जो भी ग्रीड देखे हैं वो है ये वाला सेलिंग मूवमेंट। पहला ग्रीड हमें दिखाया गया था और सेलिंग पे बिठा के यहाँ पे मार्केट को ट्रैप किया गया है। यहाँ पे मार्केट को ट्रैप किया गया है, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मार्केट में जो भी सेलर ग्रीड दिखाया गया है वो क्लियर है, और इसको अगर हम एक कॉपी पेस्ट करके एक और जोन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सेलर ग्रीड दिखा के इस मूवमेंट को तैयार किया गया है। अगर हम यहाँ पे जो गैप पे ट्रैप हुआ है मार्केट, इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लेके आते हैं, तो आप देखिए कि ट्रैपिंग यही पे हुआ था। जो ट्रैपिंग यहाँ पे ऊपर हुआ है वो ट्रैपिंग यहाँ पे इनसाइड हुआ है, जो इस ग्रीड बॉक्स की जस्ट कॉपी पेस्ट है। यहाँ पे बाहर ट्रैपिंग हुआ है और यहाँ पे अंदर। क्या मार्केट ऐसे ही अपने आप को रिपीट कर सकता है या नहीं, पहले मैं इसे क्लियर कर लेती हूँ। सो मार्केट में लास्ट जो मूवमेंट हुआ है ट्रैपिंग के पहले, वो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक। इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ लाइक दिस। और यहाँ पे जो भी ट्रैपिंग हुआ है उसे भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ लाइक दिस। तो क्या इस ग्रिड एरिया को कॉपी पेस्ट करके हम अगर ऊपर ले जाते हैं ऐसे, और इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ लेके जाते हैं, तो यहाँ पे जो एसटीए बना है, क्या उसका फर्स्ट टारगेट ये एरिया लाइक 42,916 एंड 42,880 के बीच हो सकता है? आज 24 नवंबर है, थर्सडे है, और लास्ट वीक हमने जो प्रोजेक्शन व्यू तैयार किया था आज उसका रिव्यू टाइम है। सो ये हम एक जोन तैयार किए थे जिसका कॉपी पेस्ट का ये एक जोन था, जहाँ पे बाहर का ट्रैपिंग थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा एडिट कर देंगे और इसको ही कॉपी पेस्ट करके अगर हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे इसको अटैच करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 23 नवंबर को ये टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया था। ये हमारा फर्स्ट टारगेट था, और अगर इस चैनल की ट्रेंड लाइन को अगर हम सेकंड टारगेट ले और ये भी 24 नवंबर आज ये अचीव हो गया है, और इसका एक दूसरा भी प्रोजेक्शन हमने तैयार किया था। ये चार्ट हमने टेलीग्राम पे भी आज शेयर किया था कि अगर डेली टाइम फ्रेम पे ये 4 अप्रैल 2022 की हाई और यहाँ पे 15 सितंबर 2022 की हाई को अगर हम ट्रेंड लाइन से अटैच करते हैं तो ये हमारा सेकेंड टारगेट के हिसाब से भी हम इसको ले सकते हैं। 24 नवंबर आज ये टारगेट अचीव हो गया है। सो ये प्रोजेक्शन रिव्यू सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू सो मच।